सिंघू बॉर्डर पर आपको कई ऐसे परिवार भी दिखेंगे जो ट्रैक्टर की ट्रॉली में पूरे परिवार के साथ यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये हमारा आंदोलन है। बच्चों को आज से ही हम ये दिखाएंगे तो कल को इनको पता होगा कि क्या बुरा हुआ हमारे साथ। अब ये TCS में काम करते हैं और छुट्टी लेकर यहाँ प्रदर्शन स्थल पर सिंघू बॉर्डर पर आए हैं। सेवा करनी थी किसानों की, सेवा करनी थी, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग यहाँ इस भाव से आए हैं। आप लोग कितने दिन ऐसे रहने वाले हैं? जब तक कानून वापस नहीं लेते मोदी सरकार, तब तक हम यहीं पर डटे हैं। सिंघू बॉर्डर पर आपको कई ऐसे परिवार भी दिखेंगे जो ट्रैक्टर की ट्रॉली में पूरे परिवार के साथ यहाँ बैठे हैं। महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, और आप देख पा रहे हैं यहाँ 3-4 बच्चे यहाँ बैठे हैं, पूरा परिवार है। और ये कितने दिन से बैठे हैं, क्यों परिवार के साथ बैठे हैं, जरा इनसे समझने की कोशिश करते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि इस ठंड में, इस मौसम में, जहाँ 20 दिन से यहाँ किसान धरना दे रहे हैं, वहाँ ऐसे परिवार भी हैं। परिवार हैं तो क्यों हैं, जरा बात करते हैं। सबसे पहले आपसे कहाँ से आई हैं और कब से हैं आप लोग यहाँ? हम जलंधर से आए हैं, परसों से आए हैं यहाँ पर। क्या शुभ नाम है आपका? गुरप्रीत। तो आप लोग परिवार के साथ क्यों आए ऐसी जगह पे, यहाँ आंदोलन हो रहा है सड़क पे, तो फैमिली के साथ? क्योंकि ये हमारा आंदोलन है। बच्चों को आज से ही हम ये दिखाएंगे तो कल को इनको पता होगा कि क्या बुरा हुआ हमारे साथ। अगर कल हम इनको बोलेंगे कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो ये नहीं समझ पाएंगे। ग्राउंड रियलिटी बताना इनको बहुत जरूरी है। तो कितने दिन बताया आपने बच्चों के साथ? परसों से ये ट्रॉली लेकर आप लोग वहाँ से आए या इस ट्रॉली गाड़ी में आए हैं? वहाँ टेंट में रह रहे हैं। अच्छा, आप लोग टेंट में रह रहे हैं। हाँ, जो भी हमारी ट्रॉली है जहाँ पर और रह रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ ऐसे अगर 10-20 दिन, एक महीने, अभी तो कोई पता नहीं कि ये सरकार ऐसी मांग कब मांगेगी और कब ये खत्म होगा, तो आप लोग कितने दिन ऐसे रहने वाले हैं? जब तक कानून वापस नहीं लेते मोदी सरकार, तब तक हम यहीं पर डटे हैं ऐसे परिवार के साथ। हाँ, बच्चे कहते हैं हम नहीं जाएंगे वापस जब तक मोदी कानून वापस नहीं लेगा।